जी दोस्तों, कैसे आप सब? दोस्तों रियलमी C65 लॉन्च हो चुका है 10,500 रुपए की प्राइस में। और ये 10,500 रुपए की प्राइस में जो ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, इसे इंडिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन बताया जा रहा है, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वाला। लेकिन क्या ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वैसे इसमें कुछ तीन प्रॉब्लम है या तीन ऐसे इश्यू है जिसकी वजह से आपको ये स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है, वही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि रियलमी C65 5G जो स्मार्टफोन है, बहुत ही कम प्राइस में लॉन्च हुआ है। इसकी जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको MediaTek का Dimensity 6300 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है या फिर एक नॉर्मल परफॉर्मेंस है, वो काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। और काफी कम प्राइस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस वाला जो एक प्रोसेसर इसके अंदर दे रखा है। लेकिन इसमें तीन प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि 10,500 रुपए देने के बाद भी आपको इसमें जो है 64 GB का ही इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर 128 GB का स्टोरेज दे दिया होता तो काफी अच्छा हो जाता। दूसरी कमी ये है कि इसके अंदर जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 120Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले तो मिल जाएगा, और पंचोल वाला कैमरा भी इसमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसका जो डिस्प्ले रेजुलेशन होगा, वो सिर्फ HD+ रेजुलेशन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर अगर Full HD+ वाला रेजुलेशन का डिस्प्ले दे दिया होता या फिर 1080p रेजुलेशन का डिस्प्ले दे दिया होता तो काफी अच्छा हो जाता। तो यहाँ पर डिस्प्ले की जो क्वालिटी वो थोड़ी सी डाउन देखने को मिलेगी। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्मार्टफोन है, इसके अंदर बैटरी तो 5000 mAh की मिल जाती है, लेकिन इसके साथ जो चार्जर मिलेगा वो 15 वाट का ही देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको चार्जिंग स्पीड भी थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर कम से कम इस प्राइस में जो है 18 वाट का चार्जर दिया जा सकता था, जो कि काफी अच्छी डील हो सकती थी। तो इस स्मार्टफोन को लेकर आपको तीन ऐसे बड़े प्रॉब्लम या फिर तीन इश्यू देखने को मिलने वाले हैं, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। बाकी इसका जो कैमराज है, उनकी परफॉर्मेंस नॉर्मल रहने वाली है। 10,000 रुपए के अकॉर्डिंग इसका रियर कैमरा भी अच्छा खासा या एवरेज परफॉर्मेंस दे देगा, और सेल्फी कैमरा भी नॉर्मल परफॉर्मेंस दे देगा। तो अगर आपको 10,000 रुपए की प्राइस के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला 5G स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसे ले सकते हो। अगर आपको इसके कम स्टोरेज से, इसकी चार्जिंग स्पीड से और इसके जो डिस्प्ले की क्वालिटी से कोई दिक्कत नहीं है, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफी सही रहने वाला है। लेकिन अगर आपको चार्जिंग स्पीड भी ज्यादा चाहिए, डिस्प्ले भी आपको Full HD वाला चाहिए और साथ में इंटरनल स्टोरेज भी 128 GB का चाहिए, तो आप Poco M6 Pro 5G को ले सकते हो, जो कि 10,000 रुपए की नॉर्मल प्राइस में अभी के टाइम पर फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल रहा है। और इसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी खासी रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को यही खत्म कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।